Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Waleed Anjam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is compound microscope. Lafaz compound se hi murad ye hai ki ye koi ek aisi microscope hai jisme hamare paas do ya do se zyada lenses ka istemal ho raha hoga. Lafaz compound ka basically matlab jo hai. Simple microscope mein humne ek simple लेंस का इस्तेमाल किया था, जबकि अब यहाँ पर हम जो लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है. हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड to see magnified image of small objects is called compound microscope. स्टूडेंट, अगर हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसके अंदर हम दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस टू बाय कॉन्वेक्स लेंस. एक लेंस को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को हम नाम देते हैं आईपीस. ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो हमारा लेंस है इसको हमने कहा है ऑब्जेक्टिव, और ये जो हमारा लेंस है इसे हमने कहा आईपीस. हमने इसे ऑब्जेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा है, और इसे हम आईपीस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आंख के करीब है. अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, कहते हैं ये स्टूडेंट ठीक होना चाहिए, और ये जो आईपीस है ये थिन होना चाहिए. ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ठीक होने की वजह से जो इसकी फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू स्मॉल है, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू द आईपीस, क्योंकि आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो थिन है. स्टूडेंट, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो लेंस जितना थिक होगा उतना जल्दी वो रेज ऑफ जो आ रही होंगी उस ऑब्जेक्ट से उनको जल्दी कन्वर्ज कर देगा, तो लिहाजा हम कहते हैं कि उसकी फोकस की वैल्यू कम होती है. जबकि अगर हम किसी थिन लेंस की बात करें तो वो जल्दी कन्वर्ज नहीं करता. तो लिहाजा हमारे पास ये कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ठीक होना चाहिए. क्यों, इसकी स्मॉल फोकल लेंथ होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, एफ ओ से. एफ फॉर फोकल लेंथ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव. इसी तरह से जो हमारा आई पीस है उसे हम कहेंगे वो थिन होना चाहिए. क्यों, क्योंकि हम इस पॉइंट को इस तरह से समझेंगे कि उसकी लार्ज फोकल लेंथ है, और स्टूडेंट उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ ई से. यहां पर हमने लिखा भी हुआ एफ ओ यानी कि फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ ई यानी के फोकस ऑफ द आईपीस. स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ओ सबस्क्रिप्ट ने भी ओ लिख दिया, और यहां पर ऑब्जेक्ट जो आईपीस है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके लिए ओ ई सबस्क्रिप्ट में लिख दिया. अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट को
अगर हम अपनी आंख से देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका क्लियर इमेज हमें दिखाई दे, शार्प इमेज हमें दिखाई दे, तो स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी थी कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, अपने नियर पॉइंट पे रखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इस आंख के जरिए से इस ऑब्जेक्ट को देखें और हम ये चाहते हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए, तो हम ये कहाँ रखेंगे, हम इसे अपने नियर पॉइंट पर रखेंगे। और हम ये कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी आंख से कितने फासले पर, डी, जिसको हमने 25 सेंटीमीटर का नाम दिया हुआ था। अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी हाइट है एच। इस ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसको ये कहूं कि हमने इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए से हम अगर देखें तो हमारी जो इस ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम होगी, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर कोई एक रे इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है तो वो सीधी पास कर जाएगी, और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, तो वो लेंस में से पास करने के बाद हम क्या कहते हैं, बेंड हो जाएगी। और जब वो बेंड होगी, जिस जगह पर ये दोनों मिलेंगी वहां पर हमारे पास क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यानी कि हमारे पास इस पॉइंट को हम लिख लेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई रे यहां से फोकस में से पास करे, तो यहां फोकस में से पास करने के बाद, वो लेंस में से पास करने के बाद जब बेंड होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर पहले पैरेलल थी तो बेंड होकर फोकस में से गुजरेगी, और अगर पहले फोकस में से गुजर रही हो तो बाद में पास होने के बाद बेंड होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमारी बुक पर अगर आप देखें, चाहे आप ये दो रेज बना लें या ये बना लें या ये तीनों बना लें, मैंने तीनों आप लोगों के लिए बना के दिखा दी है ताकि आपको ये समझ आ सके कि रे डायग्राम बेसिकली हमने कैसे बनानी है। स्टूडेंट इसी तरह से जब ये तीनों रेज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं, जिस पॉइंट पर फोकस होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वहां पर हमारे पास उसका क्या बन गया, इमेज बन गया उस ऑब्जेक्ट का। और हम ये इमेज जो है अगर इसको देखें तो ये हमारा जो इमेज है ये रियल भी है और ये इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें ये ए बी था तो हमारा यही जो इमेज है यहां पर आके उलट हो गया, और ये इसको हमने नाम दिया है बी वन ए वन, यानी कि ए पहले ऊपर था अब ए नीचे आ गया, और बी पहले नीचे था अब बी ऊपर चला गया, यानी कि इसको हमने नाम दे दिया ए वन बी वन का। तो अगर हम इसकी वर्किंग के लिहाज से देखें तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम लिखें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो इमेज बन रहा होता है ना स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है जी। और अगर हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था उसकी जो हाइट थी वो h थी, और हमारा जो इंटरमीडिएट इमेज बना, इंटरमीडिएट इमेज बना, उसकी हाइट क्या है, h1, और ये जो इमेज है ये रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में मैग्नीफाइड भी है। इसका साइज और इसका साइज हम देखें तो ये हमारे पास इसके मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये हमारे पास इस इंटरमीडिएट इमेज की जो करैक्टरिस्टिक्स कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, वो मैंने यहां पे लिखनी है। स्टूडेंट अब ये इमेज कहां बन रहा है, ये इस आई पीस की फोकस के अंदर बन रहा है। आप देखें कि हमारे पास अगर ये जो इमेज है ये बेसिकली हमारे इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, और ये इमेज जो है ये इस आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा।
बात समझ रहे? जैसे ही हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल वैसे इसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इस आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। और अगर हम इस पॉइंट को समझें तो हम इसकी रे डायग्राम भी देख सकते हैं। और इसके लिए हमने ये कहना, देखें इसी इमेज से जो कि बेसिकली आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इससे एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेंस में से गुजरने के बाद बेंड हो जाएगी और फोकस में से गुजरेगी, बिल्कुल उसी कहानी के अकॉर्डिंगली जो मैंने यहां पर आपको बताई है। और इसी तरह से जो रे सीधी चली जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होते हुए गुजर जाएगी। और स्टूडेंट अगर हम इन दो रेज को देखें तो स्टूडेंट ये दो रेज डाइवर्ज होंगी, ये तो कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो स्टूडेंट हम इस चीज को ऐसे समझेंगे कि ये दो रेज कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अगर हम इनको एक्स्ट्रापोलेट करें, यानी कि इसी से आप देखें, इसकी एक्स्ट्रापोलेशन देखें और इस रे की एक्स्ट्रापोलेशन देखें, तो हमारे पास जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज हम कहेंगे कि मिल रही होंगी, वहां पर हमारा फाइनल इमेज बनेगा। ये हमारा क्या है, फाइनल इमेज बनेगा। और स्टूडेंट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वो जो इमेज बिल्कुल क्लियर हो तो उसे कहां पे बनना चाहिए, नियर पॉइंट पे बनना चाहिए। लाइक जैसे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखना है और वो हमें क्लियर नजर आना चाहिए, तो क्लियर उसको नजर आने के लिए हमने ये कंडीशन की थी कि जो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना चाहिए, नियर पॉइंट पर। और इमेज को भी इस केस में अब यहां पर देखें कहां पर बनना चाहिए, नियर पॉइंट पर, जो हमारा फाइनल इमेज है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि इसे कहां पर बनना चाहिए, नियर पॉइंट पर। अब इसी तरह से जैसे मैंने ऑब्जेक्ट एच की बात, उसके इमेज की हाइट एच वन को लिखा, और अब इसी तरह से हम इस आईपीस के लिए देखें तो हम ये कह चुके हैं पहले भी कि हमारे पास जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहां पर जो इंटरमीडिएट इमेज है, ये देखिएगा मैं यहां पे लिखता हूं इंटरमीडिएट इमेज लाइज इन फोकस ऑफ आईपीस, और ये अपीयर होगा एज ऑब्जेक्ट। विल अपीयर एज एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, एच वन, और इसी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बनेगा, जो हमारे इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बना, ये इसकी हाइट क्या है, एच टू, और इसके बारे में हमने क्या कहना है कि ये जो हमारा फाइनल इमेज है ये वर्चुअल है और मैग्निफाइड। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी, हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस की फोकल लेंथ के अंदर मौजूद होता है तो हमारे पास उसका जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज होगा। स्टूडेंट अब ये हमारी इस रे डायग्राम के हवाले से और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो डायग्राम है उसके हवाले से हमने इसकी जो वर्किंग है उसको डिस्कस कर लिया। ये तमाम बातें आपको बुक पर मिल जाएंगी, मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं मेन वो सारे लिख लिए। स्टूडेंट अगर अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ जाएं और इसका रिजल्ट निकालें तो हमारा क्या रिजल्ट होगा, देखिएगा
हमारे पास इसके अगर हम मैथमेटिकल रिजल्ट की बात करें तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे कहां पर पड़ा होना चाहिए, नियर पॉइंट पर पड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा और हमारे ऑब्जेक्ट के बाद ये जो फाइनल इमेज एंगल बनाएगा, इन दोनों की जो रेशोज होंगी ये हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी। हम स्टूडेंट ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होती है वो रेशियो है किसकी, एंगल्स की। कौन कौन से एंगल की, बीटा और अल्फा ही मैं लिखूंगा और उसी से मैं फिर इनको फर्दर नेम भी दूंगा। देखिए स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि बीटा जो है हमारे पास वो कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई। और इसी तरह से जो अल्फा होता है उसको हमने क्या कहा था, वो कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। हमारी आंख पर ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया होता है उसे अल्फा, जो हमने नेकेड आई से देखा होता है जिसको हमने अनएडेड आई का भी नाम दिया था, और बीटा हमारे पास हमारा जो फाइनल एंगल इमेज बना रहा होता है, फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा होता है उसको हमने नाम दिया था। स्टूडेंट इस केस में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई किस तरह से करने वाले हैं, मैं यहां पर इस बीटा के लिए लिखने लगा हूं टेंजेंट थीटा ई, और अल्फा के लिए लिखने लगा हूं टेंजेंट थीटा ओ। देखिएगा ये मैंने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट जो हमारा फाइनल इमेज है ये जो आंख पर एंगल बना रहा है उसको हमने नाम दिया है, ये देखिए थीटा ई, इस एंगल को मैंने नाम दिया था थीटा ई। और ये मैंने टेंजेंट क्यों लिखा उसकी रीजन भी हमने पढ़ी हुई है कि जब हमारे एंगल स्मॉल होते हैं तो हम कहते हैं कि एंगल अगर स्मॉल हो तो वो नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा होते हैं, कि जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहां पर भी जब थीटा स्मॉल होगा तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, हम उनकी जगह पर टेंजेंट भी लिख सकते हैं। तो थीटा ई ये एंगल है और थीटा ओ जो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट बना रहा होता है किस पर, आंख पर, उसको हमने नाम दिया। तो मैं स्टूडेंट इसी रिलेशनशिप को अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म के लिहाज से देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा की बजाय मैं लिख सकता हूं ना जी टेंजेंट थीटा ई और टेंजेंट थीटा ओ। इससे हमें यह समझ लग जाएगी कि जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बनने वाले एंगल है जिसको हमने डिफाइन कर लिया है किस तरह से है, ये हमारी मैग्निफिकेशन है। स्टूडेंट अगर हम इनकी वैल्यूज निकालें और उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें, हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, और हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं कि क्या आती हैं वैल्यूज हमारे जी। स्टूडेंट देखिएगा फॉर वैल्यूज ऑफ टेंजेंट थीटा ई हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट। स्टूडेंट अगर देखें तो हमें इस डायग्राम में हमारे पास ये जो एंगल थीटा ई है और ये फाइनल इमेज जो एच टू है, और अगर ये इस ट्राइंगल को देखें और इसका हम जो टेंजेंट निकाल लें तो वो हमारे पास इस के सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, और हमारा जो आंख से उस ऑब्जेक्ट तक का फासला तो उसे हमने क्या नाम दिया था कि नियर पॉइंट पर रखा है, और इसी तरह से फिर हम उसे क्या लिखेंगे H2 over D, ठीक है जी। और इसी तरह से हम अगर लिखेंगे for value of tangent theta O तो वो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हमने कहां पे रखा था, नियर पॉइंट पर, इसलिए हम उसकी हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट h है डिवाइडेड बाय d लिखेंगे। तो हमारे पास जब ये रिजल्ट दोनों हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट बन जाएगा m इक्वल टू h2 over d tangent theta e की जगह पे divided by tangent theta o की जगह पे, अगर हम ये लिखें तो ये d d से कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा h2 over h आ जाएगा। स्टूडेंट इस h2 over h को अगर हम देखें तो h2 हमारे पास क्या है, हमारे पास
ये साइज ऑफ द इमेज है और ईच क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट ये बात हम पढ़ चुके हैं कि साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो आएगी कि फाइनल इमेज का क्या साइज है और हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका क्या साइज है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमारे पास मैग्निफिकेशन है। और स्टूडेंट अगर हम इसी को देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं इक्वेशन नंबर टू का और मैं यहां पे ये लिखूं कि बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय एच वन, तो देखिएगा स्टूडेंट हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा एम इक्वल्स टू एच टू ओवर एच, तो ऑलरेडी था ना, हम इसके एच वन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एच वन के साथ डिवाइड भी कर देते हैं और बाद में इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। किस तरह से रीअरेंज करते हैं कि हम इस फैक्टर को देखिएगा, मैं थोड़ा सा इस तरह से करके लिखने लगा हूं, एच वन ओवर एच मल्टीप्लाइड बाई एच टू ओवर एच वन। देखिएगा बेसिकली हुआ ये है कि मैं एच वन को इधर ले आया और एच अगर इधर चला जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ कि ये बन गया जी एच टू ओवर एच वन। ये देखिएगा ये वाला फैक्टर एच टू ओवर एच वन इस इक्वेशन से देखें तो, और एच वन ओवर एच ये हमारे पास फैक्टर, यानी कि आसान अल्फाज में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, मैंने इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ये क्यों किया उसकी भी रीजन है। देखिए एच वन है हमारे पास ए वन बी वन इमेज जो कि हमारा इंटरमीडिएट इमेज था हमारे ऑब्जेक्ट का, और हमें ये पता है कि अगर एच वन इमेज है इस ऑब्जेक्ट का तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाली जो एच वन ओवर एच है ये फिर ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास मैग्निफिकेशन है। और इसी तरह से अगर हम एच टू जो कि हमारा फाइनल इमेज है और एच वन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो अपीयर हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट को, जो इंटरमीडिएट इमेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, तो एच टू और एच वन की वैल्यू को क्या लिखेंगे, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस है। और स्टूडेंट हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो मैग्निफिकेशन हमारा एक जो सिंगल बायकॉन्वेक्स लेंस कर रहा होता है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यू ओवर पी। ये हमने सबसे पहले लेक्चर में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट रीजन में ये बात पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी याद है, तो हम इसको क्यू ओवर पी लिख सकते हैं। और आईपीएस जो है उसका जो अगर मैग्निफिकेशन देखें तो चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आईपीस की फोकस के अंदर पड़ा हुआ है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने जो फाइनल मैग्निफिकेशन निकाली थी सिंपल माइक्रोस्कोप का जो रिजल्ट था वो क्या था, वन प्लस डी ओवर एफ। और यहां पर चूंकि आईपीस की बेसिकली हमारे पास जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए हमने फोकस या फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल मैग्निफिकेशन आई उसको हम इस तरह से इक्वेशन नंबर थ्री के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी कि इसने कितनी मैग्निफिकेशन की और इसने कितनी मैग्निफिकेशन की। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज को दो गुना बढ़ा देता है और हमारा जो आईपीस है वो हमारे जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको जब फाइनल इमेज में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको 4 टाइम्स बढ़ा देता है, तो हम यहां से देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन थी वो 2 टाइम थी और जो आईपीस की मैग्निफिकेशन थी वो 4 टाइम्स थी, तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो वो 8 टाइम्स हो जाएगी और हमारा जो फाइनल इमेज होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट से कितना फिर बड़ा होगा, 8 टाइम्स बड़ा होगा। ये हमारा स्टूडेंट रिजल्ट है और इसी रिजल्ट को हम ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल इमेज आए
उसकी ये तो हमारी मैग्निफिकेशन होगी, उस इमेज की मैक्सिमम डिटेल्स को हम ऑब्जर्व कर सकें, और मैक्सिमम डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए स्टूडेंट वही बात आ जाती है ना, हमने पढ़ा था कि अकेली मैग्निफाइंग पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ रिजॉल्विंग पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजॉल्विंग पावर के लिए हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था, हमने जो फाइनल रिजल्ट निकाला था मैं वो लिखने लगा हूं। रिजॉल्विंग पावर का हमारा फाइनल रिजल्ट आया था R इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। स्टूडेंट मैं अगर इस रिजल्ट के हिसाब से देखूं तो यहां से मैं ये बात फॉर श्योर कह सकता हूं कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द लेंस, ठीक है जी। और उसके बाद रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इन दोनों रिजल्ट्स को स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारी बुक पे लास्ट पैराग्राफ में उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उसने कहा है कि अगर हम डायमीटर ऑफ द लेंस, कौन सा लेंस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो डायमीटर उसका ज्यादा इस्तेमाल करें या बड़े वाला इस्तेमाल करें, और जो लाइट यहां पर यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ स्मॉल हो, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये वेवलेंथ स्मॉल होगी तो ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन उसकी क्या होगी, हाई होगी। तो यानी कि यहां से हमने ये रिजल्ट फाइनल जो लिखना है वो ये है, लार्ज डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। स्मॉल वेवलेंथ, अब हम स्मॉल वेवलेंथ के लिहाज से अगर विजिबल पोर्शन में देखें तो हमारे पास जो ब्लू है, ब्लू लाइट, उसकी वेवलेंथ हम कंसीडर करते हैं, तो लिहाजा अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम अपने उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और लेसर डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स होंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को लेक्चर के तमाम पॉइंट्स की बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।